खुशियों के बीच छाया पोदार परिवार में मातम रूही और अभीरा के साथ हुआ ये बड़ा हादसा। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी जानकारी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप आने को है। ये लीप जहाँ कुछ महीनों का होगा, तो वहीं लीप के बाद अभीरा और रूही का नया अंदाज, उनका नया बेबी बम्प वाला लुक दिखाया जाएगा। एक तरफ पोदार हाउस में अभीरा और रूही की गोद भराई की रस्में होंगी, तो दूसरी तरफ पंडित जी दादी सा और विद्या को बुरी खबर भी सुनाएंगे, जहां पंडित जी भविष्यवाणी करेंगे कि पोदार हाउस में दो नहीं बल्कि सिर्फ एक बच्चा ही आएगा। तो पंडित जी की भविष्यवाणी सुनकर दादी सा और विद्या दोनों ही घबराए हुए नजर आएंगे। सामने आ चुका है नया प्रोमो, जिसमें आप देख रहे हैं कि दादी सा और विद्या रूही और अभीरा के पैरों के निशान लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दोनों के पैरों के निशान पंडित जी को ले जाकर के दिखाते हैं। दादी सा पंडित जी से कहती हैं कि हमारे घर की दोनों बहुओं के पांव के निशान हैं, इन ये दोनों ही माँ बनने वाली हैं, आशीर्वाद दीजिए, सौभाग्य इनका साथ दे। पंडित जी यहाँ पर रूही और अभीरा के पैरों के निशान देख कर दंग रह जाते हैं। ऐसे में दादी सा उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? पंडित जी कहते हैं कि आपकी किसी एक बहू पर दुर्भाग्य का साया पड़ने वाला है कावेरी जी, जिसे सुनकर दोनों ही घबरा जाती हैं। घर में दो नहीं बल्कि एक ही बच्चा आएगा। इधर पंडित जी भविष्यवाणी करेंगे, उधर अभीरा के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे। अभीरा डर जाएगी, वो अरमान को कॉल करेगी और कहेगी कि अरमान मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बीएसपी को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, क्या होने वाला है अरमान? इसके बाद अरमान तुरंत अभीरा को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, जहाँ पर डॉक्टर सोनोग्राफी करने वाले हैं और डॉक्टर से कई सारे सवाल जवाब करते हुए अरमान और अभीरा नजर आएंगे। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में जो पंडित जी ने यहाँ पर भविष्यवाणी की है वो सही हो पाएगी, क्या सच में अरमान या अभीरा और रोहित या रूही में से किसी एक का ही बच्चा जन्म लेगा, क्या लगता है आप सभी को कॉमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए।